अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं ना ये लेके बैठी हूँ ना शॉपर, तो मेरे घर वाले ना मेरे पे हंस रहे थे और मुझे खुद भी हंसी आती है कि ये ना सामान बारूद इकट्ठा करती रहती है, और क्योंकि ना मेरा जो है ना वो बारूद ख़त्म हो गया था, तो एक्चुअली ये मैं दोबारा से बनाने लगी और आपको मैं दिखाने लगी हूँ कि वाइटनिंग क्रीम्स में ना मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। यार मैंने बड़ी दफ़ा वीडियोज़ डाल दी हुई हैं इसके ऊपर, और लोग इतनी इसके ख़िलाफ़ इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ऐसी है ऐसी है, लेकिन सभी यूज़ करते हैं, यूज़ कौन नहीं करता। और मैं आपको बताऊँ, मुझे तो ज़माने गुजर गए यूज़ करते हुए। तो ये कैप्सूल हैं, ये तो अब किसी कोई बच्चा जानता है। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं और ये जो है वाइटनिंग के कैप्सूल हैं। ये 5-5 डालें, ये आपकी अपनी जेब के ऊपर आप कितने खर्च कर सकते हैं। 6-6 भी डाल लेते हैं, 4-4 भी डाल लेते हैं। और जो है ना यार, ये वाली जो क्रीम है ना, ये भी मैंने यूज़ की है। और ये जो है ये पेट्रोवेट लाजमी ऐड करें, इसको लाजमी ऐड करें, इसके बगैर ये बेसिकली लोग इसको कहते हैं कि स्टीराइड है, लेकिन मैंने इसके बगैर यूज़ किया है, कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये आप ज़रूर डालें। और ये जो है ना, ये डर्माकोस का इंजेक्शन है, ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। और मैं आपको बताती हूँ क्रीम्स, यार मैंने ना ये ड्यू क्रीम मैंने यूज़ की थी, इसके बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आए थे कि मेरे हाथ इतने ख़राब हो गए थे, वॉश बर्तन जैसे रोज़ों में धोए बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने ये यूज़ की थी, बड़े कमाल के रिज़ल्ट आए थे। अच्छा जी, बाकी फेस फ्रेश का जो सीरम है वो मुझे पिंक वाला मैंने लेना था, वो मुझे मिला नहीं। अगर आपको मिले तो पिंक वाला ज़रूर यूज़ करें, उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। फेस फ्रेश ज़रूर यूज़ करें, कोई फ़ायदा वायदा ना डालें, ज़ीरो रिज़ल्ट्स हैं फ़ायदा के। ये है जी फेयर एंड लवली, ये बस कोई इतनी कंपलसरी नहीं है, छोटा सैशे भी लेके डाल सकते हैं। और ये है आर्ची वाइट, ये इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दो आर्ची लेनी थी तो मैंने कहा यार ट्राई करते हैं ये आर्ची वाइट ही इस दफ़ा लेते हैं, बड़ा किस्म का कोई मिसाइल तैयार करते हैं बारूद जो होता है ना। अच्छा, ये इसकी जगह अक्सर यूँ तो शॉपकीपर्स रेड वाली मंड देते हैं, वो मत लें, उसके कोई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट इसके साथ ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये वाली आर्ची है और ये वाला सीरम है, दोनों सीरम आपने ऐड करनी है, ठीक है, दोनों सीरम यूज़ करने हैं आपने। फेस फ्रेश का बता दिया मैंने आपको, और इसकी जगह जो है ना ये ड्यू क्रीम, इसकी जगह यार मैंने लास्ट टाइम संदल क्रीम डाली थी, ज़ीरो रिजल्ट्स, बेकार बिल्कुल। संदल मत यूज़ करें, ड्यू यूज़ करें, इसको जो है फार्मूला पूरा तैयार करें और अच्छी तरह मिक्स करें, दाना दाना ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपने यूज़ करनी है, उसको 1 घंटा रेस्ट दें, फिर रोज़ नाइट में लगाएं, बहुत लाइट लगाएं, लेप नहीं करना, हल्की हल्की सी क्रीम अप्लाई करें यार, 3 दिन में रिजल्ट इंशाल्लाह आपको मिलने हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मैं 10-15 साल से यूज़ कर रही हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। नाइट क्रीम तो यूज़ करनी है ना, तो हमें क्या पता कौन कौन सी क्रीमों में क्या क्या चीज़ें मिक्स हुई भी होती हैं, ठीक है। ये इसका रिव्यू था, इंशाल्लाह ये मैं मिक्स करने लगी हूँ, बारूद तैयार करने लगी हूँ, तो उसकी मैं फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ कि आप लोग यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।